दयाल हो दयाल हो दयाल, परम दयाल परम प्रेम परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा प्रधान आचार्य देव श्री श्री दादा पूजनीय बाबाईदा पूजनीय अबिंदा समस्त श्रीपाद पद्म मोर कोटि कोटि प्रणाम। आज ये परिचालना करुथिबा संचालक देवाशीष भाई उपस्थित समस्त कर्मी वृंद भक्तिमती मातृमंडली गुरु भाई छोट छोट पिला माने समस्त को मोर हार्दिक जय गुरु रा। प्रारंभिक आलोचना क्रम रे जो प्रसंग थोड़ी धरले उद्देश्य जहा ये दुईटा को मिसे की कहिया पाई समय सापेक्ष तेबे आलोचनाटा पूर्वापर संगति रक्षा करी कले भल हुए किंतु पूर्वापर संगति रक्षा करिबा को गले अमर भाई जो दिगरे आलोचना कले धर्म दिगरे आलोचना करे परिपालन कले कौन हुए परिपालन न कले कौन हुए से दिगटा श्राद्ध बहुत दूर रे तेबे श्राद्ध प्रसंग रे मु आलोचना करिबा को चाहूची काही कि ना वर्तमान श्राद्ध पक्ष चलछि पितृपक्ष अपर पक्ष बा मौला श्राद्ध ए श्राद्ध चलछि एही दिवस रे एही परिप्रेक्ष्य रे दुई जन भाई जणे माँ को पाई आउ दुई जन भाई तांकर बापांकर श्राद्ध दिवस अवसर रे भोग निवेदन करिसंती तेबे श्राद्ध शब्दटा आसीछि गोटे उपसर्ग होजी श्रत उपसर्ग खा धातु श्रत माने बहन करके चलिबा निष्ठार स परिपालन करिबा श्रत उपसर्गर अर्थ धा धातु र अर्थ धारण पालन परिपोषण तेबे निष्ठार सहित धारण पालन परिपोषण करिबा कहाको ना आम कृष्टि आम संस्कृति आम जो पूर्वपुरुष मान जो धारा रखी दे जापालन आधार कर पट्टभूमि गढ़ी तोलिबा ना आम मान प्रत्येक गोत्र गोटे मुनि नाम से मुनि वंशध आम यही प्रसंग रे आलोचना प्रसंग षष्ठ खंड रे जणे भक्त ठाकुर को प्रश्न करुचंती ठाकुर भरद्वाज ऋषि स्वर्ग वैद्य अश्विनी कुमार को ठारु भेषज ज्ञान लाभ करथिले आमे से भरद्वाज गोत्रीय होइथिले मध्य तांकर वंशधर होइथिले मध्य से भेषज ज्ञान आम पाखरे नाही काई की जदि रेत धारा भीतर संतान संतति मानंकु पाखकु तांकर बापा मांकर समस्त गुण ट्रांसमिट होउची जैवी विधान भीतर देई तांको पाखकु आसुची ताले आमे से भरद्वाज गोत्र होइतिले मध्य भरद्वाज मुनि को पाखरे जो भेषज ज्ञान थिला से भेषज ज्ञान आम मानक पाखरे नाही। ए सुंदर कथार उत्तर ठाकुर कहचंती भरद्वाज गोत्रीय तुम्हें हेइतिले मध्य आज तुम मान पाखरे भरद्वाज मुनिंकर थिबा भेषज ज्ञान आसी न पारिबार कारण होची ए वंशधारा भीतर दे कौठी ना कौठी मनोवृत्त्या अनुसारिणी स्त्रीर अभाव अछि मुन्य मनोवृत्त्या अनुसारिणी स्त्री माने कौन स्वामी मनोवृत्ति को अनुसरण करी अनुसंधिष्ठा सेवा दे मापी आणी तारी गुण को तांकरी गुण को एई भोले स्त्री रो कोठी गोटे अभाव अच्छी निश्चय तबे जो रेत धारा भीतर जो श्रद्धा कथा श्रद्धा हीन स्त्री कोठी निश्चित भाव रे जीवन रे
ଅଛି ଏଇ ଭରଦ୍ୱାଜ ଗୋତ୍ରୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଗୁଣ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିପାରି ନାହିଁ। ତେବେ ଯୋଉ ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ଏଇ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସରେ ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗତା ମା ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗତା ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପିଣ୍ଡଦାନ କରିଥିବେ, ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଡାକିଥିବେ। ଏଇ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ ଦିଆଯାଏ, ଅତିଥି ମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ଭୂତଯଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। କାଉ, ବିଭିନ୍ନ ପକ୍ଷୀ, କୁକୁର ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଏ। ବାହାରେ ନେଇକି ପିଣ୍ଡର ପ୍ରଥମ ଅଗ୍ରଭାଗ ବାହାରେ ଭୂତଯଜ୍ଞ କରିବା ପାଇଁ କାଉ, କୁକୁର, ଏଇ ଇତର ଜନ୍ତୁଙ୍କ ପାଇଁ ଦିଆଯାଏ। ତେବେ ଏଇ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପ୍ରଥମେ ନଥିଲା, ଆରମ୍ଭ ହେଲା କୋଉଠୁ ନା ଅତ୍ରି ମୁନିଙ୍କର ପୌତ୍ର ଅକାଳ ବିୟୋଗ ହେଲା। ଅକାଳ ବିୟୋଗ ହବା ପରେ ଅତ୍ରି ମୁନି ତାର ସେ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ଏ ପିତୃ ଶ୍ରାଦ୍ଧର ପ୍ରଚଳନ କଲେ। ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ଏ ପିତୃ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପ୍ରଚଳନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ ନ ହବାର କାରଣ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଅମର ରହୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ, ମୃତ୍ୟୁ ତ ହଉନଥିଲା, ତେଣୁ ପିତୃ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ହବ କାହିଁକି। ତେବେ ଏଇ ପିତୃ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦ୍ଵାରା କଣ ହୁଏ ନା ଆମ ମାନଙ୍କର କିଛି ଅତୃପ୍ତ ବାସନା ମଧ୍ୟ ପରିପୂରଣ ହୁଏ। କାହାର ନା ଆମ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପିତା ମାତାଙ୍କର କିଛି ଅତୃପ୍ତ ବାସନା ଥାଏ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ମକ୍ଷୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପୌରାଣିକ ଉପାଖ୍ୟାନ ଅଛି। କର୍ଣ୍ଣ ଜାଣନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ମହାଦାନୀ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଯମପୁରରେ ସେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ସୁନା ରୂପା ମୂଲ୍ୟବାନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ନ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଯେ ମତେ ଅନ୍ନ ଦିଆଯାଉ ନା କାହିଁକି, ଯମରାଜ କହିଲେ ଯେ ତମେ ଜୀବନରେ ସବୁ ଦାନ କରିଛ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ନ ଦାନ କରିନା। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ 14 ଦିନ ପଠା ହେଇଥିଲା ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରକୁ, ଯେ ତମେ ଆସିକି ସେ ଅନ୍ୟ ଶରୀରରେ ଆଶ୍ରୟ କରି 14 ଦିନ ଗରିବ ମାନଙ୍କୁ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ ଦାନ କରି 14 ଦିନ ପରେ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ ଯମପୁରକୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିଥିଲା, ଅନ୍ନ ମିଳିଥିଲା। ଯୋଉ ସମୟରେ କର୍ଣ୍ଣ ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଧାମକୁ ଆସିଥିଲେ ସେଇ ସମୟଟା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଆଶ୍ୱିନ ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ପ୍ରତିପଦା ତିଥିରୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥି, ଯୋଉଟା ମହାଳୟା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ହିସାବରେ ଆମେମାନେ ପରିପାଳନ କରୁଛେ। ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଆମେମାନେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଇ ତୃପ୍ତ କରୁଛେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ପଥ ପରିଷ୍କାର କରିବା ସହିତ ଆମମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆମେମାନେ ଆଶା କରୁଛେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି, ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ଅଛି। ଏଇ ଯୋଉ କାଉ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ ଆଉ କୁକୁର ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ, ବିଶେଷ କରି କାଉ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ପିଣ୍ଡଦାନର ଅଗ୍ରଭାଗ ଦିଆଯାଏ, ତାର ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ଅଛି। ତାର ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ କଣ ନା, ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ମଞ୍ଜି, ଛୁଟିଆ ମଞ୍ଜିଟେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଫଳଟେ ଆଣିକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପକେଇଦେଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଚାରା ତିଆରି କଲେ ହବ ନାହିଁ। କାଉ ପକ୍ଷୀ ତାକୁ ଖାଇଲେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତନଳୀ ଭିତର ଦେଇ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ମଞ୍ଜିର ଏବଂ ବର ମଞ୍ଜିର ଉପର ଅଂଶଟା ହଜମ ହେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ମଞ୍ଜିଟା ମଳ ଆକାରରେ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସେ ଏବଂ ଯୋଉଠି ସେମାନେ ମଳତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ସେଇଠି ବର ଗଛ ଆଉ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛ ହୁଏ। ଏବଂ ଏଇ ବର ଗଛ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛ ଏତେ ବିଶାଳ ବୃକ୍ଷ, ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ଅମ୍ଳଜାନ ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ ଅନେକ ଧାର୍ମିକ ଚିନ୍ତା ଧାରା ନେଇ ଆମେ ବର ଅସ୍ତକୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରୁ ଏବଂ ତାର ଯୋଉ ବର ଗଛର ଯୋଉ କଅଁଳି ପତ୍ରର ଅଗ୍ରଭାଗଟା ପ୍ରଥମେ ଯୋଉଟା ବାହାରେ ସେ ପୁଂସବନ ସଂସ୍କାରରେ ବହୁତ କାମରେ ଆସେ, ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ସପିଣ୍ଡୀକରଣ ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ ପିଣ୍ଡର ଯୋଉ ଅଗ୍ରଭାଗ କାଉକୁ ଦିଆଯାଏ ତାର ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ଏହା।
विशेष करी काउंकर प्रजोजन समय होची ई भाद्रव मास रु आसिन मास भितरे ई भाद्र मास रु आसिन मास भितरे काउ अंडारु काउ पिला माने फुटंती एवं ई श्राद्ध तर्पण प्रतिदिन श्राद्ध तर्पण रो व्यंजन आदि नै काउ तार पिला मानकु पोषण दिए पुष्टि साधन करे अर्थात काउ वंशर संरक्षण हेले असत्य एवं बरवृक्षर वंश विस्तार हब से काउ वंश पक्षी मान संरक्षण पितृश्राद्ध दिवस गोटे पिंड दान करा जाए। ये तो गला पौराणिक वैज्ञानिक कारण आ विशेष करी आमे आम मान विश्वास अच्छी पितृपुरुष आमर बापांकर तीन पुरुष अजा तीन पुरुष तीन तीन छ जी पिंड देले ये हमारे सात सात पुरुष जो पिंड दबार कथा कह जाए यही महालया अमावास्या भितर आशून्य कृष्ण पक्ष प्रतिपदा ठार अमावास्या पर्यंत ये महालया श्राद्ध भितर सात पुरुष पिंड दिया जाए एवं से माने आसंती सूक्ष्म अवस्था रे आसंती आमे देखि पारु ना से मानकु मो जीवन रु गोटे वास्तव घटना कहुची ठाकुर प्रसंग पुण्य बुद्धि गोटे कथा अच्छी ब्रह्म सबाई के देखते पारे जीव ब्रह्म के देखते पारे ना पिता माता जो विदेही ही जानती से आत्मा टी आत्मिक अवस्था को ब्रह्म स्तर को चली जाए तार शरीर न थाए से किंतु आम मान समस्त गतिविधि देखती जानती एटा निराश सत कथा से भली उठे घटना मो जीवन वास्तव घटना जो कथाटी पुण्य पुथी रे मु पढ़ी थी मो जीवन अनुभव करछि जे ब्रह्म सबाई के देखते पारे जीव ब्रह्म के देखते पारे ना बापांकर मृत्यु हला 1987 मसीह रे आमर सान भौणी रो विवाह में संपन्न कलु 1993 मसीह रे व्यवधान 6 वर्ष सान भौणी रो विवाह संपन्न हो जाइछि बंधु बांधव समस्ते विदा हो जाए तीन भाई मा दी भो सान भाई से बाहर न था आम घरे अच्छु माँ का पाखरे बापांकर समस्त आचरण आम देखा पाइल बुझीगल माँ को बापा आश्रय कर दीर्घ 6 वर्ष भितर कौन सी नम को डर आमर से बाड़ी भितर थी खजूरी गच मूल बापा अस्थि रखाई थी आम के भय पाइन कि देखा देखो डरई कौन सी घटना आम देखी जाऊ पचारल कहीं आसीच ना तुम मान चेतई देवाक आगे मत कहले बरधर दायित्व मोर थी बर धरिया जा सान भाई मु प्रणाम करी विवाह संपन्न झीव जई मैंने विदा हो जे बापा उद्देश्य प्रणाम जनईबार कथा कई कही ना कि कई भी प्रणाम करना से कथाटी कहले पाठ पढ़े मनीष करी मत टे जुहार भी हेला ना मो झीव जई विदा हो गला ना टे जुहार हाँ द्वितीय कथा बड़ इम्पोर्टेंट कथा कहले मो बापा बड़ आंको तौक आ चारि भाई दीर्घ 25 वर्ष 91 परिवार बापा चाहू नथिले जे अलगा ही रहिया पाई जाओ अलगा हेले हेला परे बापांको देहांत समय रे से मास्टर थिले जोठी जगह किनिथिले सेठी घर करथुले आमे जो आम जन्म जगार 500 किलोमीटर दूर आम घर होता बापा काम से काका मान समस्त डकला जो काका आसी नथिले एवं से काका कन्या संप्रदान करदेले से काका मो बापांकर अंत्येष्टि क्रिया रे से शौच है नहांती जे मोर अंत्येष्टि क्रिया रे शौच है नहीं मो झियर कन्या संप्रदान ता हाथ रे करैलो तापरे आमे काका को पचारी थिलु काका सत कथा कहले हम सतरे मु हेइ नथिलु ताहले कुहंतु जदि ब्रह्म अवस्था रे मो बापा आम मान गतिविधि देखु नथिले कहले केमिति तांगुडा आश्रय दरकार का गुडा आश्रय करिके कहि दियो देखंती किंतु तेणु ये श्राद्ध दिवस रे
आमे माने श्रद्धार सहित पितृपुरुष को श्राद्ध अर्पण करिवा दरकार आउ ननिगोपाल चक्रवर्ती को नहीं से दिन स्मरण कर श्राद्ध दिवस को केबे अवहेला करिवो नहीं बापा श्राद्ध दिवस रे से ठाकुर को तैल मर्दन करती सेवा करती किंतु भूली जाइछन्ति से दिन बापांकर श्राद्ध दिवस ठाकुर पादरे तैल मर्दन कर देखुं पाद पाखे गोटे हातुड़ी अच्छी केबे भी सेटा देखी ना से जोटा बापा पाखे थिला ठाकुर प्रश्न कर ठाकुर पादरे मैं पाय अपना आचेली आचेली हूँ हातुड़ी भातुड़ी सेठी स्मरण कर ननिगोपाल चक्रवर्ती को जहाँ बापा श्राद्ध ये गुड़िक भूली जावा कथा नुह श्रद्धार सहित करवा दरकार तेणु आज तो समय अतिक्रांत आज पवित्र सत्संग उपस्थित समस्त शारीरिक मंगल इष्ट जीवन कामना करने सहित जो भाई मैंने माँ बापा श्राद्ध दिवस अवसर भोग निवेदन करदेह आत्मार सदगति कामना करने सहित सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् जय गुरु।